आज मौका भी अच्छा था और मौसम भी अच्छा था, तो सोचा कि बाहर शूट कर लेते हैं और एनवायरनमेंट देखे काफ़ी अच्छा मज़ा आ रहा है। आप लोगों के सामने इस टॉपिक को बताना तो ज़रूर चाह रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी कलेक्ट करके आप ही लोगों तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। मौज एप्लीकेशन पर ब्लू टिक लेना आसान है, लेकिन बावजूद इसके भी बहुत से क्रिएटर ऐसे हैं जो अभी वेटिंग लिस्ट में हैं। भले ही सब्सक्रिप्शन दिया है, लेकिन अभी भी वेटिंग लिस्ट उनकी पूरी नहीं हुई है। तो मौज एप्लीकेशन की ब्लू टिक के मैं कुछ क्राइटेरियाज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। यदि इस क्राइटेरिया में आप आते हैं तो आपको ये ब्लू टिक मिल जाएगा और बहुत जल्दी आप ये एक्सेस कर पाओगे। तो टॉपिक को शुरू कर लेते हैं। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लेके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा दें दोस्तों। और किसी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर जुड़ जाइए, रेगुलर अपडेट वहीं पर हम आपके सामने रखते हैं। बात यहाँ पर हम मौज एप्लीकेशन की कर रहे हैं और यहाँ पर हम बताना चाहते हैं कि ये जो ब्लू टिक आपके सामने मिल रहा है, इस ब्लू टिक के चोचले से इतने ज़्यादा क्रिएटर्स परेशान हैं कि वो खुद भी ये सोच रहे हैं कि भैया हम 700 रुपये का ब्लू टिक ले लें इंस्टाग्राम पर या फिर 350 का ले लें मौज एप्लीकेशन पर। बहरहाल दोनों के कन्वर्जेशन से बहुत अच्छी प्राप्ति मुझे हुई है, तो इस पर भी वीडियो बना चुका हूँ मैं, आप आई बटन पर जाकर वो भी देख लेना। आज जो हम बताने वाले हैं यहाँ पर कुछ क्राइटेरियाज हैं और ऐसे 4 क्राइटेरियाज हैं, यदि आप इसको कम्प्लीटली क्रॉस कर चुके हैं तो ये ब्लू टिक आपके लिए हैं। और ये चारों क्राइटेरियाज मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। हमारे सामने कुछ क्राइटेरियाज हैं, इन्हीं 4 क्राइटेरियाज के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होगा कि MFC में आपको मौज फॉर क्रिएटर्स पार करना होगा। यदि आप ब्लू टिक लेना चाहते हैं तो आपके पास सबसे पहले नंबर पर MFC वाला ऑप्शन होना चाहिए। यदि आपका MFC क्लियर है, आप थोड़े बहुत भी मिनट्स अर्न कर चुके हैं या फिर एक भी मिनट्स अर्न नहीं करें आपने, तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, बट MFC क्लियर्ड होना चाहिए। समझ में आया? ये है हमारा पहला पार्ट। सेकंड पार्ट हमारा है, आपकी एज 18 प्लस होनी चाहिए, 18 साल से ऊपर आप मौज फॉर क्रिएटर्स में आ जाइए। और इसके बाद ये देखिए पैटर्न चल रहा है, आप इसको थोड़ा सा समझें। आपके पास मौज फॉर क्रिएटर है, लेकिन उम्र भी आपकी 18 साल होनी चाहिए और मौज फॉर क्रिएटर्स में आप एंटर्ड होने चाहिए, तो आपको ये ब्लू टिक मिल जाएगा। तीसरा पार्ट क्या है, आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। अब इसको भी पैटर्न वाइज समझ लेते हैं। आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है आपके नंबर से और आपकी एज 18 साल है और आप इन तीनों के साथ MFC में सिक्योर हैं, यानी कि MFC में सिलेक्ट हैं। ये तीनों ऑप्शन होने के बाद चौथा ऑप्शन हमारा आता है कि कोई भी वीडियो हमने वायलेंस पर ना बनाई हो या फिर कोई भी ऐसा कम्युनिटी रिपोर्ट हमारे चैनल पर नहीं होना चाहिए, कोई भी हमारे पास कॉपी राइट नहीं होना चाहिए किसी भी वीडियो का। और अगर हमने किसी भी तरह का कोई भी उल्लंघन किया हुआ है अपने वीडियोस के माध्यम से, अपने लाइव के माध्यम से या फिर किसी भी चीज़ से, तो हम ये ब्लू टिक नहीं ले सकते। ये 4 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंटली आपको समझ लेनी है अगर आप मौज पर ये ब्लू टिक लेना चाहते हैं, बिकॉज इन चारों की वजह से, थोड़ा सा डीप कर लेता हूँ, इन चारों की वजह से बहुत सारे क्रिएटर्स परेशान तो हैं कि उनके पास MFC भी क्लियर है, उनका 18 साल से उम्र भी ज़्यादा है, उनका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड है, लेकिन वॉयलेंस है उनकी वीडियोज़ में। तो ऐसे ही क्रिएटर्स जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, ऐसे ही क्रिएटर्स हैं जिनकी अभी तक वेटिंग लिस्ट पूरी नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने सब्सक्रिप्शन तो दे दिया है लेकिन अभी तक वेटिंग लिस्ट में से हटे नहीं है, क्योंकि भैया उनकी वीडियो सारी एनालाइज हो रही होती है, अंडर रिव्यू रखा जाता है उनका चैनल और उसके बाद उनको भी ये ब्लू टिक दिया जाता है। लेकिन इससे पहले ये सारी चीज़ें चेक करी जाती हैं जो मैंने आपके सामने बताई हैं, और इन चारों चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। यदि आप इन सारी चीज़ों में एक्सेस कर पा रहे हैं अपने वीडियोस के साथ, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं मौज फॉर क्रिएटर्स में आगे बढ़ने के लिए। और ये हमारा सेकेंड लीग है और इसको हम कहते हैं ब्लू टिक वाला ऑप्शन। इस ब्लू टिक के ऑप्शन के लिए हमें इन सारी चीज़ों का मेहनत करना पड़ेगा, और आप लोग हमें आज की वीडियो में यही बताना कि आप लोग ब्लॉग कहाँ से करते हैं, आपके कितने फॉलोवर्स हैं मौज एप्लीकेशन पर। यदि आप इन सारी क्राइटेरिया को कंप्लीट कर चुके हैं और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो पूरी इन्फॉर्मेशन मुझे कमेंट में लिखना, हमें थोड़ा सा अंदाज़ा पता चले कि लोग कैसे कैसे परेशानियों को फेस कर रहे हैं इस मौज एप्लीकेशन के साथ, तो हम उस पर और ज़्यादा आगे काम करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों,